हेलो एवरीवन, आई एम शाजिया। इन टुडेज वीडियो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट द एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B, हम इंटीजर्स के एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1-5 सॉल्व कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक 180 फ्रॉम 180 एंड देन देख लेते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट -180 एंड फ्रॉम 180, इस तरह से हमारे पास नंबर होते हैं। हमें क्या करना होता है कि इस साइड में जो नंबर होते हैं उसे हमें पहले लिखना होता है 180, एंड फ्रॉम की जगह पे हमें माइनस लगाना होता है, एंड ये वाले माइनस को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये माइनस प्लस 180 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ठीक इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है 75 फ्रॉम -75। इस साइड वाले नंबर्स को हमें पहले लिखना होता है, ये -75 फ्रॉम की जगह पे माइनस लगाना होता है, एंड इसके पास यहाँ पर माइनस था तो हमने ब्रैकेट में लगा दिया, एंड इसके पास माइनस नहीं है तो हम इसी तरह से लिख देंगे। 75 -75 माइनस माइनस ऐड होता है और साइन जो है माइनस का ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 75 एंड 75 क्या हो जाएगा, 150। ओके, थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं -95 फ्रॉम 0। ठीक इसी तरह से 0 को हमें सबसे पहले लिख देना है, फ्रॉम की जगह पे हमें माइनस लगाना है, एंड -95 को ब्रैकेट में लिख देना है, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 95 इज इक्वल टू 95। एंड देन क्वेश्चन पॉइंट फिफ्थ है 90 -19 फ्रॉम -1। तो -1 को हमें पहले लिख देना है, एंड फ्रॉम की जगह पे माइनस लगाना है, एंड ब्रैकेट में -90 को। ये माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, -1 प्लस 90, तो यहाँ पर आंसर्स क्या हो जाएंगे मेरे, 90 हो जाएंगे। -16 फ्रॉम -25 है, तो 25 को हमें सबसे पहले लिख देना है, एंड फ्रॉम की जगह पे फ्रॉम को रिप्लेस करके हमें माइनस लगाना है, एंड -16 ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना है, एंड ये माइनस प्लस, ये साइन एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, एंड इन एंड 25 एंड 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। नेक्स्ट हम आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स +23 एंड +0। अब हमें ये देखना है कि हमें +23 में कितना ऐड करना है कि यहाँ पर आंसर्स मेरा 0 हो जाए। देन हमारे पास +23 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर -23। एंड जब भी एक प्लस एक माइनस होता है तो हम यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -13 प्लस -33, -13 एंड +33। तो हमें क्या करना होता है, जब भी इस तरह के हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हों तो हमें क्या करना होता है, इस नंबर को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो क्या आता है, 33 आता है। और अगर हम 33 से यहाँ पर प्लस का साइन है, इस अकॉर्डिंग टू साइन, तो -13 एंड +33 इसको माइनस कर देते हैं जब भी, तो हमारे पास आंसर्स आएगा +20। थर्ड पॉइंट हमारे पास है -14 एंड -20 इज इक्वल टू -34। -20 एंड -14 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर्स क्या आ जाएंगे, -34। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -20 एंड प्लस यहाँ पर है 12। एक माइनस एक प्लस, यहाँ पर हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि -20 से एंड 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। अच्छा, हमें ये नंबर कहाँ से मिला, ये नंबर जब भी हम इस नंबर को यानी कि 20 है यहाँ पर 8 है, अगर 20 एंड 8 को हम जो है क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं, 20 से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर्स आ जाएंगे 12। देन इसी नंबर को हमें यहाँ पर लिखना होता है 30। यहाँ पर हमने क्या किया है, -30 हमारे पास था, 30 को हमने जो है 14 से माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर 16 हो गया। एंड 16 को हमने यहाँ पर लिख दिया -30 एंड +16। जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। एंड -23 एंड -25, -23 नहीं था यहाँ पर, हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास था 25 एंड 2 इस तरह से दिया हुआ था, हमने क्या किया
कि इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि ये माइनस प्लस हो गया, हमारे पास हो गया 25 इज इक्वल टू 2, 25 माइनस 2 ये प्लस था, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25 एंड प्लस 2, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 23 एंड इसी 23 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ट्रू फॉल्स है। इसी तरह से हम देख लेते हैं स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, या जब भी दो नंबर का हम सम करते हैं तो हमेशा ही इंटीजर्स होता है, ना कि वो होल नंबर्स, या ये सही है, ट्रू है ये। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, अगर हमारे पास 5 एंड प्लस 4 है तो 5 प् 4 9 ही होगा। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स 1 से लेकर के एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग टू 1, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, जब भी दो नंबर्स का डिफरेंस भी करेंगे यानी कि 5 माइनस 3 भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, ये भी ट्रू है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉल्स है क्योंकि जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सारे पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉल्स है क्योंकि ज़ीरो नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होते हैं एंड ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर्स, या एवरी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं एंड ज़ीरो को छोड़ करके। द सम ऑफ टू इंटीजर्स कैन नेवर बी ज़ीरो, फर्स्ट दो नंबर का सम, ये कह रहा है कि दो नंबर का सम इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एंड माइनस टू एंड प्लस टू है तो हम इसको क्या करें, इसको लिख सकते हैं ज़ीरो एंड देन ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट शुड बी एडेड टू 15 टू गेट माइनस 15। देख लेते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी एडेड 15 टू गेट माइनस 15। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक नंबर लेट करना है, यानी कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट। सबसे पहले हमें नंबर्स को लेट करना होता है, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई नंबर एक्स है। ओके, यहाँ पर कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, कितना हम ऐड करें कि हमारे पास माइनस का 15 हो जाए। फिफ्टीन प्लस एक्स और शुड बी एडेड टू गेट माइनस 15। हमने क्या किया कि 15 प्लस एक्स इन दोनों का सम कर दिया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 15। माइनस 15 हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू एंड माइनस 15 एंड ये वाला इस साइड जा करके माइनस में हो जाएगा माइनस 15, तो हमारे पास आंसर्स क्या हो जाएंगे, माइनस की 30। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 3 टू गेट प्लस 18। यहाँ पर हमारे पास कह रहा था ऐड करने के लिए एंड यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस 3 में कि हमारे पास प्लस 18 हो जाए। ओके, इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स एंड वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड माइनस 3 में प्लस एक्स, हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड टू गेट 18 प्लस का 18। सेम इसी तरह से हमें करना है, माइनस 3 18 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस 18 21, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है माइनस की 21। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 23 इफ़ वन ऑफ देम इज 12 फाइंड द अदर। दो नंबर का सम जो है द सम ऑफ टू इंटीजर्स माइनस 23 इफ़ वन ऑफ देम इज 12 फाइंड द अदर। ओके, यहाँ पर भी हमें नंबर्स को सॉल्व लेट कर लेना है, लेट द नंबर बी एक्स
लेट द नंबर बी एक्स इफ वन ऑफ देम इज 12। ये दो इंटीजर्स का सम जो है वो -23। तो पहले हम सम बना लेते हैं, यानी कि 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू -23। 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू -23। एक्स को इधर ही छोड़ देना है, इज इक्वल टू -23 एंड -12। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 35 माइनस के आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। वाइल प्लेइंग कार्ड्स अमित लॉस्ट ₹70 इन द फर्स्ट गेम्स, ₹50 इन द सेकेंड गेम एंड ₹30 इन द थर्ड गेम। ही गेन्ड ₹60 इन फोर्थ गेम एंड ₹80 इन फिफ्थ गेम। व्हाट वाज हिज नेट लॉस या नेट गेन? अमित ने लॉस्ट किए ₹70 फर्स्ट गेम में एंड ₹50 सेकेंड गेम में एंड ₹35 थर्ड गेम में लॉस्ट किए। ही गेन, उसके बाद उसको मतलब प्रॉफिट भी मिले ₹60 का फोर्थ गेम में एंड ₹80 के फिफ्थ गेम में। तो व्हाट वाज हिज नेट लॉस या नेट गेन हमें बताना है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने इनके प्रॉफिट थे। तो देन फर्स्ट गेम में 70 एंड सेकेंड गेम 50 एंड सेकेंड गेम 50 एंड थर्ड गेम 35। अमित लॉस्ट रुपीस जित 70 प्लस 50 एंड प्लस 35। लॉस्ट रुपीज 70 प्लस 50 एंड प्लस 35। इनको ऐड कर लेते हैं हम सारे नंबर्स को। 5, 5, 5, 5 and 5, 3, 8, 8, 7, 15, 155। लॉस्ट रुपीज कितने टोटल, 155। ही गेन रुपीज 60 इन द फोर्थ गेम। गेन अमित लॉस्ट एंड अमित गेन रुपीज 60 एंड 80। ₹60 + ₹80 = 8 and 6 = 140। देन हमें क्या करना है, जितने लॉस हुए हैं एंड जितने गेन हुए हैं टोटल से इसको माइनस कर देना है। 155 एंड -140, हमारे पास आंसर्स क्या आ गए, ₹15 क्या है नेट लॉस, ₹15 का लॉस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। वन डे ऑन अ हिल द टेम्परेचर एट 8 PM वॉज 2 degrees centigrade। मिड नाइट द डे इट फेल डाउन टू -3 degrees centigrade। बाय हाउ मेनी डिग्रीज डिड द टेम्परेचर फॉल? एक दिन में इतने डिग्री टेम्परेचर थे एट 8 PM पे वॉज 2 degrees centigrade, बट अ मिड पॉइंट लेकिन मिड नाइट आधी रात को द डे इट फेल डाउन टू -3 degrees centigrade। एंड इस तरह से हम टेम्परेचर फॉल्स जो हुए हैं इनको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 degree पहले हुए थे टेम्परेचर फॉल एंड -3 degree बाद में हुए थे। यहाँ पर कुछ हिंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, डाउन टू -3 degree centigrade, फॉल इन टेम्परेचर 2 - 3 degree centigrade। एंड इस तरह से हमें लिखना है, फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 degree एंड -3 degree एंड 2 माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 3 कितना हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, 5 degree centigrade फॉल इन टेम्परेचर आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर एंड देन टू द वेस्ट ऑफ इट बाय 130 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वॉज द कार फाइनली? एक कार ट्रेवल करती है ईस्ट की साइड में दिल्ली
100 किलोमीटर एंड वेस्ट साइड 130 किलोमीटर. हाउ मेनी फ्रॉम दिल्ली वॉज द कार ही फाइनली, हाउ मेनी फार, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, तो वो दिल्ली से कितना दूर है, इतना वो चल चुकी है 100 किलोमीटर एंड 130 किलोमीटर. तो एंड दोनों को क्या करना है, हमें माइनस कर देना है, यानी कि अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ 100 किलोमीटर, अ कार ट्रेवल वेस्ट ऑफ 130 किलोमीटर. इन दोनों को क्या करना है, हमें 130 माइनस 100, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास 30 किलोमीटर. तो कार जो है वो दिल्ली से कितनी दूर है, 30 किलोमीटर बस. ओके, तो इस एक्सरसाइज 3B हमने सॉल्व कर लिया है कम्प्लीटली. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C सॉल्व करेंगे. ओके, बाय.